धर्म संसद हेट स्पीच मामला। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में धर्म संसद मामले को लेकर दो याचिका दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में नरसिंहानंद सरस्वती का समर्थन जाहिर किया गया है। आपको बता दूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो PIL गई हैं, उन तमाम PIL में नरसिंहानंद सरस्वती के धर्म संसद के खिलाफ बात कही गई है और नरसिंहानंद सरस्वती पर कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकार कुर्बान अली ने एक PIL दायर की थी, जिसके बाद नरसिंहानंद सरस्वती पर कार्रवाई की गई, 153A की धारा लगाई गई है। अब दो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। ये दोनों पक्ष हिंदू पक्ष हैं, जिसमें एक हिंदू सेना और दूसरा हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। इन दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं। इन दोनों याचिकाओं में इन दोनों पक्षों का कहना है कि नरसिंहानंद सरस्वती, यानी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब हिंदुओं के खिलाफ याचिका एक मुसलमान ने दायर की है और उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में हम जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, तो इस याचिका के ज़रिए उसमें जो नीचे लाइन लिखी है उसमें लिखा गया है कि जो मुसलमान वक्ता हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त और कड़ी कार्रवाई का आदेश दे। आपको ये भी बता दूं कि नरसिंहानंद सरस्वती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और जितने दिन पुलिस को दिए गए थे, यानी 10 दिन पुलिस को दिए गए थे, उत्तराखंड पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को, वो 10 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर, धर्म संसद मामले पर, किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ऐसे में इस खबर का सामने आना कि हिंदू पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, तो सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ कि दोनों पक्ष, हिंदू सेना और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और कहा है कि हमारी PIL पर सुनवाई की जाए। लेकिन अगर इतिहास उठा के देखा जाए और इस तरह की PIL की हकीकत जानने की कोशिश की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जब दस्तक दी गई है इस तरह की PIL को लेकर, तब तक याचिकाकर्ता को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से और याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की जो याचिका सामने आ रही हैं, उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पहली फुर्सत में ही खारिज कर देगा और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है और इन दोनों याचिकाओं का क्या होता है, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई है।